brought to you by Gamesy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. पंजाब किंग्स आईपीएल 2022 के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है। आखिरी लीग मुकाबले में टीम ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर अपने अभियान का अंत किया। नए कप्तान मयंक अग्रवाल की कप्तानी में टीम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साथ ही साथ मयंक अग्रवाल ना तो कप्तानी और ना ही बल्लेबाजी में कोई खास असर छोड़ पाए। टूर्नामेंट में एक ओपनर के तौर पर शुरुआत करने वाले मयंक ने टीम के संयोजन और अपने प्रदर्शन को देखते हुए खुद को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया। हालांकि उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। कुछ एक खिलाड़ी को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया और इसमें सबसे पहला नाम कप्तान मयंक अग्रवाल का ही है। मयंक के इस प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने दुख जताया है। शास्त्री के मुताबिक कप्तानी के दबाव के कारण मयंक अच्छा खेल दिखाने में असफल रहे और इसी वजह से शायद वो आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए। ESPN क्रिकइन्फो से बात करते हुए शास्त्री ने कहा, जिन लोगों ने कभी टीम की कप्तानी नहीं की आप उन्हें फ्रेंचाइजी की कप्तानी सौंप देते हो। मैं मयंक का कोई अपमान नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूं। मैं जानता हूं कि वो अपनी क्रिकेट कैसे खेलते हैं और वो कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप देते तो इससे काफी बड़ी समस्या हो सकती है। इस वजह से हो सकता है कि वो भारतीय टीम में अपनी जगह गवा दे क्योंकि सिलेक्टर मौजूदा फॉर्म के आधार पर सिलेक्शन करेंगे। शास्त्री ने आगे कहा कि मयंक का हाल भी जडेजा की तरह ही हुआ है। वो बोले, मयंक के साथ जो हो रहा है उससे मैं आहत हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। कप्तानी के दबाव से किसी के भी दिमाग में असर पड़ता है। आपने जडेजा के साथ देखा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा। यही मयंक अग्रवाल के साथ हुआ। ये फ्रेंचाइजी के भविष्य का एक संदेश भी है कि वो कप्तानी के चयन में थोड़ा स्मार्ट हो। मयंक अग्रवाल ने इस सीजन खेले गए 13 मुकाबलों में महज 196 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 16.33 और स्ट्राइक रेट 122.50 का रहा। उनके बल्ले से इस सीजन में 52 रनों की महज एक अर्धशतकीय पारी निकली। यही उनका बेस्ट स्कोर रहा। यही वजह रही कि इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए एक टेस्ट मैच में उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। और अब बात करते हैं गेमजी की। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। गेमजी पर आपके पास मौका है 5 करोड़ तक के इनाम जीतने का। इस ऐप पर आप लाइव मैच में भी टीम बदल सकते हैं और पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक भी। साथ ही साथ अब तो सबको पता है कि अब निवेश करना हुआ और भी आसान और फायदेमंद। 5paisa ऐप से 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट बनाएं। आपको ऐप पर मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज, रिसर्च टूल्स और एडवाइस भी, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पे। मौका है इस ऐप पे 5,100 तक के गिफ्ट वाउचर्स जीतने का। इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और दिल्ली टॉप यूजर्स को आईपीएल 200 के कोड पे मिलेगा 200 का कैशबैक। तो अगर ऑलरेडी नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें। ये खबर आपके लिए लिखी है रवि ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉप।